नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे ऐप की, जिसके बारे में आप जान करके अपनी दुनिया भर में अपनी फेमिसिटी बना सकते हो, आप अपने पॉपुलर हो सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहें। दोस्तों, मैं ऐसी ही कई प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूं जो कि आपके काम की हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं, जो आपके फ़ोन की स्क्रीन है जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद हम प्ले स्टोर में जाते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं उस ऐप के बारे में तो आप मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। प्ले स्टोर में क्लिक करते जब ये ऑप्शन ओपन हो जाता है प्ले स्टोर, तो यहाँ ऊपर एक टाइटल बार में लिख करके आता है, ये सर्च बोलते हैं इसे। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हम किसी भी ऐप को। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा PowerDirector, पावर डायरेक्टर। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा ऐप है, तुरंत ही दोस्तों देखो खुल करके आएगा। दोस्तों, अभी देखो वक्त लग रहा है, थोड़ा वक्त लगता है सर्च होने में, क्योंकि ये भी सारे ऐप में से ही सर्च करते हैं, इस वजह से थोड़ा वक्त लगता है। दोस्तों देखो खुल चुका है, दोस्तों देखो लिख करके आ रहा है, सबसे ऊपर ही आ चुका है कि पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटर। तो दोस्तों, तुम्हें जहाँ पर ये इस समय ओपन का ऑप्शन लिख कर के आ रहा है, अगर आपका फर्स्ट टाइम है, अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है, तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। लेकिन मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, तो मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसकी देखो 4.5 की रेटिंग है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी रेटिंग होती है जो कि इस ऐप को मिली हुई है। दोस्तों, इससे 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है अभी तक। तो दोस्तों, मैं ओपन करता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो को हम किस तरीके से एडिट करते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना होगा, मैंने ऑप्टिमाइजिंग एप्लीकेशन हो रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से ये खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ से पूछेगा कि आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब न्यू वीडियो बनानी है, या फिर जो आप वीडियो बना चुके हैं उसको प्रोड्यूस करना है। दोस्तों, मुझको फ़िलहाल में न्यू वीडियो बनानी है, इसलिए मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। दोस्तों, अब ये पूछता है कि 16:9 की बनानी है, 9:16 की, मतलब लेंथ इसकी 16 में दिखनी चाहिए या फिर 9 में, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इस पर ओके कर देता हूँ फिलहाल। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे मीडिया सिलेक्ट करना होगा, यह आपका मीडिया होता है। यहाँ पर आप किसी भी डाउनलोड इमेज के साथ वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, आपने इस पर आइकन पर क्लिक किया जो कि पिक्चर का आइकन है, इसमें आप किसी भी फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों देखो, इसमें ये देखो सेव इमेज में मैंने ये पिक सिलेक्ट कर ली है, और भी हम पिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखो दोस्तों, एक बार क्लिक करने के बाद हमें दो बार उस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि हमें उसको ऐड भी करना है। दोस्तों, इतनी मैंने कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको अगर इसमें अगर कोई वीडियो अगर डालनी है या कुछ भी डालना है, तो आप क्लिक करके वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखो, मेरी कोई एक वीडियो है, कौन सी सिलेक्ट करता हूँ, देखो दोस्तों, मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट करके मैंने इसमें ऐड कर दी। अब दोस्तों, ये वीडियो का आइकन था, अब इसमें मुझे ट्यूनिंग भी ऐड करनी है, तो मैं इसमें ट्यूनिंग भी ऐड कर सकता हूँ। दोस्तों देखो, ये म्यूजिक के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद म्यूजिक पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों, इसमें से आप कोई भी वीडियो बना कैसा भी साउंड
सिलेक्शन। जैसे म्यूजिक में अगर मैं जाता हूँ तो इसके कुछ पहले से ही ऐसी ट्यून्स होती हैं इस ऐप में ही मिल जाएंगी। जैसे ये है बेस्ट मोमेंट या एलिगेंस, ऐड कर देते हैं। अब दोस्तों ये आपकी एक वीडियो बन चुकी है। बैक जाते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, के रूप में बार बार इसी तरीके से वीडियो चलती रहेगी। दोस्तों देखो ये मैंने वीडियो डालने ऐड कर दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं दोस्तों, और आप इसमें और भी एडिटिंग कर सकते हैं। इस एफएक्स आइकन पर क्लिक किया है तो हम इसमें किसी भी तरीके की हम एज इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं दोस्तों, और इसमें हम स्टिकर भी डाल सकते हैं। इसमें अगर हम आप कुछ भी अगर लिखना चाहें, जैसे आप अगर स्टिकर डालना है तो आप लाइक का यहाँ पे स्टिकर डाल देंगे। तो दोस्तों जब ये वीडियो चले तो इसी तरीके का थंब बन कर गया जो कि इस तरीके से। इसको आपको कहाँ सेट करना है इमेज में वो आप कर सकते हैं, कितना बड़ा करना है दिया। अब आप देख सकते हैं, स्टार्ट कर दिए वीडियो। देखो दोस्तों इसी तरीके का आएगा जब जहां तक ये इसका एंड पॉइंट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको तो और मैंने अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉच माय यूट्यूब वीडियोस एंड वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।